नमस्कार। और आप देखना शुरू कर चुके हैं करंट न्यूज। मेरा नाम है राजेश कुमार। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें जो आपके आने वाली आगामी कॉम्पिटेटिव परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और सारी खबरें विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे से जुड़ी हुई खबर की। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने डिसाइड किया है कि 1 दिसंबर 2019 से जितने भी टोल प्लाजा हैं उसमें फास्टैग लेन से गुजरने के लिए आपके पास फास्टैग होना अनिवार्य है। यदि आप फास्टैग लेन से गुजरते हैं 1 दिसंबर 2019 के बाद और आपकी गाड़ी पे लगा हुआ नहीं है फास्टैग, तो आपको देना पड़ेगा डबल टोल प्लाजा। जी हाँ, डबल कीमत आपको चुकानी पड़ेगी फास्टैग लेन से गुजरने के लिए। तो आज ही अपनी गाड़ी में फास्टैग लगवा लीजिए। फास्टैग क्या होता है आपको पता होना चाहिए। फास्टैग एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कनेक्शन डिवाइस होता है जिसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। ये सीधा आपके सेविंग बैंक अकाउंट से जुड़ा होता है। जब आपकी गाड़ी टोल प्लाजा पर जाती है तो वहां पर एक स्कैनर लगा हुआ होता है जो फास्टैग को स्कैन करता है और जितनी भी टोल प्लाजा की फीस होती है वो आपके सेविंग बैंक अकाउंट से डायरेक्ट कट जाती है। अगली महत्वपूर्ण खबर है आपकी कोलिस्टीन एंटीबायोटिक से जुड़ी हुई। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने कोलिस्टीन एंटीबायोटिक के मैन्युफैक्चर, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन पर बैन लगा दिया है। साथ ही साथ इसकी फूड प्रोड्यूसिंग एनिमल्स, पोल्ट्री, एक्वा फार्मिंग और एनिमल फीड सप्लीमेंट्स के तौर पर भी इस पर बैन लगा दिया गया है। दरअसल मामला क्या है, एक गवर्नमेंट के सामने रिपोर्ट सामने आई थी कि कोलिस्टीन नामक एंटीबायोटिक का एनिमल फीड सप्लीमेंट में काफ़ी यूज किया जा रहा है, जिसके तहत क्या हो रहा है, जो हम ह्यूमंस हैं इसको काफ़ी मात्रा में कंज्यूम कर रहे हैं इनडायरेक्टली रूप से। तो इससे क्या हो रहा है, हमारी जो बॉडी है कोलेस्ट्रॉल नामक एंटीबायोटिक्स को क्या कर रही है, रेजिस्ट कर रही है। यानी कि ये जान बचाने वाला इम्पॉर्टेंट एंटीबायोटिक ड्रग यदि हम पे असर ही नहीं करेगा तो इसका क्या फ़ायदा। तो इसीलिए सरकार ने अब इसको एज ए एनिमल फीड सप्लीमेंट के तौर पर इसकी मैन्युफैक्चर, सेल और प्रोडक्शन जो है बैन कर दिया है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कोलेस्टिन को पॉलीमाइक्सिन ई के नाम से भी जाना जाता है। सो कोलेस्टिन एंटीबायोटिक को पॉलीमाइक्सिन ई के नाम से भी जाना जाता है, आपको पता होना चाहिए। अगली महत्वपूर्ण खबर निकल कर आती है इंटरनेशनल पुलिस एक्सपो 2019 जो आपका हुआ है नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। जी हाँ, अब की बार 2019 की जो थीम थी वो थी चैलेंजेस टू स्ट्रेंथन पीस एंड सिक्योरिटी। ये पांचवा एडिशन था इंटरनेशनल पुलिस एक्सपो का। इसमें 25 से ज़्यादा देशों ने पार्टिसिपेट किया था। 25 से ज़्यादा देशों से आई 100 से ज़्यादा फर्मों ने यहाँ पर अपने टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन किया था और हाईटेक टेक्नोलॉजी से लैस हथियारों का भी यहां पे प्रदर्शन किया गया था। अगली महत्वपूर्ण खबर भी आपकी निकल कर आती है इंटरनेशनल पुलिस एक्सपो से ही जुड़ी हुई। इंटरनेशनल पुलिस एक्सपो जो कि 2019 में प्रगति मैदान दिल्ली में हुआ है, उसी के ही एक इवेंट के अंदर इंडिया की सबसे लाइटेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट लॉन्च की गई है। इंडिया की सबसे लाइटेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट का नाम है बाबा कवच। इसकी कुल वजन जो है वो है मात्र 9.2 किलोग्राम। जी हाँ, यह जैकेट AK-47 से निकली हुई 7.62 mm की गोली तथा इंसास राइफल से निकली हुई 5.56 mm की गोली को सहन कर सकती है। तो इंडिया की लाइटेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट जिसका नाम है बाबा कवच। अगली खबर आपकी जुड़ी हुई है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज से। तो इंडिया और चाइना के बीच में दिसंबर 2019 में एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होगी जिसका नाम है हैंड इन हैंड। 2019 दिसंबर में होने वाली
ये एक्सरसाइज का 8वां संस्करण होगा। इससे पहले पूरी वीडियो देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए, हमारे करंट न्यूज चैनल पे जाइए और वहां पे जाके देखिए करंट न्यूज एपिसोड 2, तो आपको सारे के सारी जो इम्पोर्टेंट करंट न्यूज मैं बताने वाला था आपको सारी वहां पे मिल जाएंगी। और प्लीज हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करना मत भूलिएगा। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए और करंट न्यूज चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी करंट न्यूज से रिलेटेड मैं वीडियो डालूं वो मिस ना हो। शुक्रिया।